दोस्तों, आज हम जुब्बा का कटिंग बताने जा रहे हैं। ये देखिए, हमारा जुब्बा का लेंथ है 58 हाफ, 50 सीना है और 48 कमर है, 50 हिप है, 19 इंच कंधी है, 24 इंच आस्तीन का लेंथ है और 12.5 इंच मोरी है, 17.5 कॉलर है, 18.5 आर मोल है। ठीक है, शुरू करते हैं। ये चलिए, मैं जुब्बा ये कटिंग कर रहा हूँ। इसमें मैं एक ही बड़ा पन्ना का कपड़ा था, इसमें पहले एक सिंपल जुब्बा निकाला हूँ। अभी तो कली वाला हमें काटना है, हम इसको फोल्ड कर लेंगे। हमारा 19 इंची कंधी है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे 19 इंची हमको आना। ये देखिए, हमारा 19 इंची आ जाएगा और 1/2 इंच पर टोटल हमारा ये रहेगा 20 इंच। ये किनारी है थोड़ा छट जाएगी, तो 10.25 रखेंगे, 10.25 के हिसाब से फोल्ड कर लेंगे। ये बहुत बड़ा होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं कटिंग करके दिखाऊंगा कि लोगों को समझ में आए। हमारा चेस्ट 50 इंची, इतना आएगा 50 इंची, इतना गली लगेगी। सबसे पहले हम यहाँ एक सीधा मार्क ले लेंगे, फिर एक मार्क यहाँ कर लेंगे। पौनी 2 इंच पे मार्क लेंगे। हमारा आर्मोल है 18.5, तो इसमें 1/2 इंच ज़्यादा रखेंगे। गली वाला है, इसके वजह से ज़्यादा रखेंगे। अब यहाँ पे एक मार्क लगा लेंगे 25.5 इंच पे, यानी ये 1/2 इंच मार्जिन जाएगा, यानी 25 इंच ये हमारा हिप तक तैयार रहेगा। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 इंच शोल्डर के लिए मार्क लगाएंगे, गले के लिए 2.5 इंच। सवा 2 इंच ऐसे गोलाई के लिए लगाएंगे। अब हम ये जो मार्क लगाए हैं, इन मार्क को हम सीधा खींच लेंगे। ये मार्क को सीधा खींच लेंगे, ये मार्क को सीधा ले लेंगे। अब ये मार्क और ये जो हमने गला का निशान लगाया है, इसमें मिला लेंगे। गला को ऐसे इस तरह गोल कर लेंगे। अब हम कट कर लेंगे, हम यहीं तक कट करेंगे, बाद में नीचे का लेंथ नापेंगे। तक कट करेंगे, इस कपड़ा को हम इस कलर फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा जुब्बे का फ्रंट है, हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब ये मार्क हमारा
यहाँ देख लेंगे सवा दस इंच, सवा दस इंच आ रहा है, यहाँ से ऐसे मिला लेंगे। देखिए सवा दस इंच आ रहा है, तो हमारा जुब्बा का लेंथ है 58, तो हमने 25 इंची ऊपर दिए हैं। अब यहाँ 25 इंच पे इंची टेप रखेंगे, मतलब 58, ये तो लास्ट है, इधर से लेंगे साइड। ये हमारा 25 इंची ऊपर का हिस्सा तैयारी हो गया, 58 हाफ है। पच्चीस इंच तैयारी हो गया, 58 पे मार्क लगाएंगे, यहाँ पे 2 इंच बढ़ के लगाएंगे, सीधा मार्क ले लेंगे हम, ये 2 इंच में भी सीधा ले लेंगे मार्क। अब टोटल इसको खोल लेंगे, खोल के नापेंगे हमारा कितना है, ये देखिए, ये तो 7 आ रहे हैं। अब हम कट कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे बढ़ के काटेंगे मार्क से बढ़ के, फिर अब यहाँ तक जो हम काटे थे अब इसको पूरा कटिंग कर लेंगे। हमारा फ्रंट पल्ला हो गया, जुब्बे का फ्रंट पल्ला हो गया। अब बस इसी को बैठा के हम बैक काटेंगे। कपड़ा को हम पहले कट करके हटा लेंगे ताकि कटिंग करते समय हमें तकलीफ ना पहुंचे। सवा दस पे मार्क लगा लेंगे पहले, सवा दस, यहाँ पे भी मार्क ले लेंगे 10। ये हमारा 10 आ जा रही है, फिर इसको हम फ्रंट पल्ला को बैठाएंगे, बैक कट कर लेंगे। यहाँ पे 1.5 इंच लेंगे मार्जिन ऊपर के हिसाब में, यहाँ पे 2.75 इंच लेंगे, यहाँ पे भी 1.5 इंच लेंगे। अब हम इसको सीधा मार्क ले लेंगे, यहाँ पे 1 इंच लेंगे, इसको सीधा कर लेंगे, यहाँ गोलाई कर लेंगे।
अब हम इसको कट कर लेंगे इसके हिसाब से। ये इसको एक चक्का लगा लेंगे, ये मार्केट ये अमूल का चक्का है। ऊपर इसको खींच लेंगे, इसको सीधा कट कर लेंगे हम। इसको यहाँ से सीधा कर लेंगे, ये देखिए हमारा बैक फ्रंट दो भी कट गया। हमें कली काटना है, कली हमें यहीं से काटना है, तो हम सीधा बैठा लिए हैं, ऊपर से लेके नीचे तक बैठा लिए हैं। अभी ये पल्ला को इस तरह बैठा लेंगे, इधर आधा इंच छोड़ लेंगे, ऊपर से आधा इंच छोड़ के ऐसे बैठा लेंगे। अब हमारा सीना है 50 इंच, उसका चौथा हिस्सा 12.5 इंच रहेगा, आधा इंच मार्जिन ले लेंगे। ये दोनों को बीच से एक मार्क लगा लेंगे, 8 इंच आ रही है, अब 8 इंच पे सीधा मार्क ले लेंगे। कमर है 48 का चौथा हिस्सा 12 इंच आता है, 12 इंच पे लगा लिए, आधा इंच ही मार्जिन ले लिए। यहाँ 50 इंच हिप है, तो 12.5 इंच यहाँ लगा लिए, आधा इंच मार्जिन ले लिए। ये स्केल से स्केल इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ये देखिए इतना कट करेंगे। नीचे का घेरा देंगे ज्यादा से ज्यादा 33 इंच रहेगा, ज्यादा घेर नहीं देंगे, 33 इंच रहेगा। यहां से सीधा स्केल लेंगे, पहले इतना कट कर लेंगे। चलिए हम इतना कट कर लिए, अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे। वो ये बड़ी साइज है, इसके वजह से मैं फोल्ड करके थोड़ा थोड़ा कट करके दिखा रहा हूँ। अभी ये जो मार्क है
इसी मार्क से हम ऐसे मार्क ले लेंगे। तैतीस इंच है ऐसे में, 33 इंच है, 33 का आधा 16.5 है। यहाँ पे आधा इंच मार्क ले लेंगे, एक मार्क यहाँ ले लेंगे, ये मार्क ऐसे मिला लेंगे। अब हम कट कर लेंगे। ये देखिए हमारा जुब्बा कट गया। अब सिर्फ मुझे हैंड्स काटना है, इसका आस्तीन काट है तो जुब्बा हो गया। ये इसका कली है, कली पे क्या करेंगे, 9 इंच पे मार्क लगाएंगे पैकेट के लिए, और यहाँ 7.5 इंच देंगे, ये हमारा पैकेट का मुंह हो जाएगा। ये हमारा पैकेट का मुंह हो गया, यहाँ चटका मार के इस तरह करके 3 पल्ला और काटेंगे। सिर्फ दिखाने के लिए, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं बता दिया हूँ। अब 3 पल्ला इसी तरह बैठा के 3 पल्ला काट सकते हैं। अब मुझे आस्तीन काटना है तो कंप्लीट हो जाएगा। आस्तीन हम इसमें से लेंगे, ये 2 पल्ला हम कर लिए हैं इसको फोल्ड। पहले हम इसको कुर्ता काटे थे, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि धोबी जुब्बा होना, तो हमारा 24 इंच लेंथ है। पहले देख लेंगे लेंथ आ रहा है या नहीं आ रहा है। 24 इंच लेंथ आ जाएगा। यहाँ पे एक मार्क ले लेंगे, चौबीस इंच यहाँ ले लेंगे, 12.5 इंच मोरी है, 12.5 इंच पे यहाँ ले लेंगे, और हरमल 18.5। तो यहाँ से हम एक नापेंगे 3.5 इंच, 3.5 इंच पे 9.25 इंच देंगे, 0.5 इंच फर्क लगा लेंगे। अब इसके हिसाब से एक मार्क ले लेंगे, थोड़ा सा सेप लेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे कितना आ रहा है देख लेंगे। देखिए 9.5 इंच आ रहा है। हम कट करेंगे यहाँ से, इसको हम सीधा एक मार्क ले लेंगे। ये आस्तीन गोलाई नहीं रहेगी, स्ट्रेट रहेगी। ये तो फोल्ड हो जाएगी, एक दाग स्टिचिंग जाएगी इसमें। यहाँ पे एक चक्का मार लेंगे। ये हमारा आस्तीन हो गया, हमारा जुब्बा कंप्लीट हो गया।